भाई वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग एक बार लोकेशन देखिए। आज की जो लोकेशन है वो काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी महीनों के बाद जो है ना, इस लोकेशन पे जो है आज मैं वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। तो ये मेरे गांव के साथ ही पड़ता है ये वाला लोकेशन, जहाँ पे मैं शुरू शुरू में वीडियो बनाया करता था। तो अच्छा लगा यहाँ पर आके काफ़ी टाइम के बाद। तो आज की जो वीडियो है ना वो यहीं पर शूट होने वाली है। तो आज की क्या वीडियो रहने वाली है, आज की जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो है कि भाई अगर कोई बंदा जो है ना टाटा की अल्ट्रोज़ को लेना चाहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये कैसी रहेगी और क्या माइलेज का क्या इसकी कहानी होती है, वो सब कुछ जो है ना एक तरीके से आप लोग को एक मैं थोड़ा बताऊंगा अपने तरफ से कि क्या ये लंबे समय के लिए ये आप लोग के लिए ठीक रहेगी। लंबा समय बोलने का मेरा क्या मतलब है कि मतलब जैसे 5 साल, तो 5-10 साल के लिए क्या ये गाड़ी ठीक रहेगी, या फिर कोई अपग्रेडेशन इसके लिए होगा, या फिर क्या जो भी सीन रहता है ना वो सब कुछ जो है मैं आप लोग को इस वाली वीडियो में अभी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो लोग ये लेने का सोच रहे हैं ना वो एक बार मन बना ले, ठीक से अपना जो है माइंडसेट तैयार कर ले कि भाई क्या ये सच में लेना चाहिए, कि हमारे को मतलब किस चीज़ की प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमारे को क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ जो है ना हमारे को देख के जो है ना सब कुछ लेना चाहिए। तो बोलने का मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई मतलब हर चीज़ जो है ना सोच समझ के ही करनी चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सक किसी को मतलब पछतावा भी होता है ऐसा ये कि एक टाइम पे कि यार ये गाड़ी क्यों ही ले ली है मैंने ऐसा कुछ करके। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहिए, मतलब आप लोग को वेट करना चाहिए क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि CNG वाली भी टेस्टिंग पे है शायद ये टाटा की अल्ट्रोज़, CNG वेरियंट पर भी शायद आप लोग को मिल सके, हो सकता है वो वाला आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहे। पर कोई बात नहीं, जो CNG नहीं लेना चाहता है, आप लोग को पता है अब CNG है तो मतलब थोड़ा सा पावर आप लोग को कमी उसमें और भी महसूस होगी क्योंकि 3 सिलेंडर इसमें पहले से ही दिया जाता है, उसमें जो है ना पावर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोग को अपना जो है मेरा ओपिनियन आप लोगों को मैं बता दूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम आप लोग को ये लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं भी जो है ना इस गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए लिया है यार। मतलब वो लोग बोलते कि टाटा की गाड़ी है तो मतलब आफ्टर सेल सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब एक टाइम था जब ऐसा सोचते थे लोग, तो आज के टाइम पर जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, आज के टाइम पर जो है ना टाटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है यार। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब किताब से तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि हम अपनी गाड़ी को बेच दे किसी को। अब ले रहे हो गाड़ी यार तो क्यों बेचना है, एक बार ये तो सोचो यार आप लोग, मतलब बेचना क्यों यार जब आप लोग इतना पैसा खर्च करके एक गाड़ी ले रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो माइंड सेट तैयार करो अपना कि आप लोगों ने लेना क्यों है। अगर आप लोग को जो चीज़ आप लोग को गाड़ी में मिल रही है ना तो ठीक है, अच्छी बात है क्योंकि आप लोग को आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद तो आप लोग बेचने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। लोग यार पहले ही जो है ना आफ्टर सेल सर्विस पहले ही सोच लेते हैं गाड़ी लेने से पहले, मतलब इतनी दूर की क्यों सोचना है, मुझे ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है कि लोग इतनी दूर की क्यों सोचते हैं यार। तो मतलब इतनी दूर की मत सोचो, जब तक आप लोग का चलेगा तब तक चलाओ, बढ़िया चलाओ, एकदम प्यार से चलाओ यार, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली देने वाली बात नहीं है। मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया, जितना 1 साल चलाने के बाद जो आप लोग से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना मैं, मतलब वो अभी तक जो है ना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे को, मतलब ऐसा मेजर कोई भी इशू अभी तक मुझे नहीं आया इसमें। तो मतलब अब चलो माइलेज की बात करते हैं कि भाई लॉन्ग टाइम के लिए ये गाड़ी माइलेज कितना देगी, अब वो तो सर्विसिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ड्राइविंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना निकालने वाले हो। बाकी मैं बोलूँ आप लोग को, अगर आप लोग प्लेन एरिया में रहते तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना इको पे ही इसको ड्राइव करते होंगे, अब मेरी तरह अगर कोई पहाड़ी एरिया पर रहते तो मैक्सिमम टॉर्क हमारे को चाहिए। अब आप लोगों को पता ही, अब चढ़ाई पे जाना है फील्ड में जाना है तो भाई मैक्सिमम टॉर्क इसका हम लोग निकालते हैं, तो मतलब हाई RPM पे जितना मर्जी पावर दे सकती है, मतलब अब चढ़ाई में तो आप लोग ऐसा मान के चलो कि आप लोग को एवरेज ये बिल्कुल ना के बराबर देगी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देगी, मतलब ये है कि ठीक ठाक दे देगी पर वो है कि मतलब आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब आप लोग गाड़ी लेने के बाद क्या चीज़ सोचते हो यार कि मतलब आप लोग को माइलेज चाहिए सेफ्टी चाहिए, अब एक चीज़ से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अब जितनी ज़्यादा गाड़ी की सर्विसिंग आप लोग करोगे ना उतनी ही ज़्यादा गाड़ी के लिए अच्छे है, मतलब माइलेज के लिए भी बोलो चाहे जिस मर्जी के लिए बोलो, चाहे एक बार बस इंजन खुल जाए उसके बाद जो है ना माइलेज की टेंशन नहीं रहती है। तो माइलेज अब आप लोग को बता दूं, माइलेज जो है आप लोग को ये सिटी में दे देगी आप लोग को ये 14 से 15 तक का, बाकी हाईवे की बात करें तो हाईवे में ये आप लोग इससे 20 प्लस भी निकाल सकते हैं, जो कि मैं भी जो है इससे 20 प्लस का जो है ना एवरेज निकाल देता हूँ बड़े आराम से। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से चलाते हैं, अगर लाइट फुट चलाते हैं ना आप लोग तो आप लोग के लिए जो एवरेज है वो काफ़ी बढ़िया निकाल के देगी गाड़ी, वो भी इकोनॉमी मोड में। बाकी अगर आप लोग जो है ना मतलब फूफा करके चलाने वाले तो मतलब ऐसा सोच के चलो कि 12-13 तो आप लोग कोई दे ही देगी, चाहे हाईवे की बात करो चाहे जहां मर्जी की बात करो। बाकी अब रही बात अगर कोई बंदा पहाड़ी एरिया पे फॉर अ लॉन्ग टाइम इस चीज़ गाड़ी को लेने की सोच रहा है तो ले सकता है यार, अगर आप लोग सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं कि भाई आप लोग को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए और आप लोग ने ज़्यादा भगानी नहीं है, वैसे भी पहाड़ी एरिया में कौन ही भगाता है, अब चाहिए ये है कि भाई प्लेन एरिया में जैसा ये वाला रोड है वहाँ पे तो चलो थोड़ा बहुत तो भगा देता है आदमी, पर ये है कि सेफ़ रहता है एक तरीके से, इसकी हैंडलिंग इसकी राइड क्वालिटी मतलब सब कुछ जो है ना एकदम टॉप नॉच की है। अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए इसको लेने की सोच रहे हैं ले लो बड़े आराम से, मतलब यार कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यार इसमें, ले बिल्कुल आँख बंद करके आप लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यार मतलब क्या ही बोल रहा है यार, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ये गाड़ी आप लोग को बहुत ही अच्छा जो है ना
मतलब प्रोडक्ट है एक तरीके से। अब आप लोग यार बोलने का मतलब समझ जाया करो यार कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब आप लोग जो है ना सेल सर्विस के बारे में मत सोचो यार अभी से, बस आप लोग एक बार गाड़ी लेने का प्लान बनाओ, आप लोग गाड़ी ले लो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा यार। क्या आप गाड़ी ले रहे हैं तो मतलब अब आप लोग को पालनी भी तो पड़ेगी। जिस तरीके से आप लोग को भूख लगती है तो भैया आप लोग खाना खाते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं, वैसे गाड़ी का सिस्टम होता है यार। मतलब गाड़ी को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जितना आप लोग गाड़ी पर डालोगे उतना ही कम पड़ता है गाड़ी के, पता ही है आप लोग को। बाकी चलाने पर डिपेंड करता है आप लोग का इंजन किस तरीके से आप लोग खोल रहे हो और कब तक खोल रहे हो। बाकी यही था बस आज के वीडियो में। आप लोग लेना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम आप लोग ले सकते हैं, फैमिली के लिए भी है, मस्त है। आप लोग सिंगल चलाते हैं, अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते, अगर आप लोग को पावर की कमी लगती है तो आप लोग आई टर्बो वाला जो वेरियंट है ना उसको भी ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को जो है ना 108 BHP मिलेगा और 140 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि आप लोग के लिए सफिशिएंट हो सकता है। बाकी ठीक है, फिर यही था आज के वीडियो में, आप लोगों को पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और चलता हूँ फिर, मैं मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।